क्वेश्चन 26, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट नेचर दैट इज, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो आर क्यू वन आएगा, फैट्स होंगे तो लेस देन वन यानी 0.7 आता है, प्रोटीन्स होंगे तो अगेन लेस देन वन यानी 0.9, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो ग्रेटर देन वन आता है. तो इसमें यहाँ पर बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन प्लांट स्ट्रक्चर का डिपेंड तो कर रहा है कि सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, लेकिन ये सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीजन का रोल आ रहा है कि कितनी ऑक्सीजन आपने ली थी और कितनी CO2 इवॉल्व की है. तो बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है. मेटाबोलाइज वर्ड यूज नहीं होगा, कैटाबोलाइज भी नहीं होगा, रिड्यूस भी नहीं होगा. कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैटाबोलाइज भी तो हो रहा है, पर हमने डिस्कस किया है अच्छे से कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है पहला. दूसरा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम, तो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है. तो मोर करेक्ट वर्ड क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दैट इज ऑप्शन सी.